गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज इस वीडियो में क्लास सेवन्थ का डाटा हैंडलिंग चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो कहते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। दी मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन अ साइंस टेस्ट आर 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 एंड 75। फाइंड दी हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक्सरसाइज हमारी है ये जो सी 3.1 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, ये 6 है, ठीक है। तो जो स्कोर है हमारा, पहले जो ये नंबर दे रखे हैं, ये क्वेश्चन में जो नंबर दे रखे हैं, ये है बच्चे के स्कोर। तो पहला पार्ट इसका क्या है, हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, जो कि लिस्ट में सबसे होगा। हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन इक्वल टू कितने, सबसे हाईएस्ट इसमें 85, 76, 90 है और उसके बाद 95। तो सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा है इसमें, 95 है, ठीक है। उसके बाद लोवेस्ट, सबसे कम कौन से इसमें से, सबसे कम 39 है। सबसे कम क्या है, 39 है, ठीक है। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पार्ट कह रहे हैं रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन, इनकी क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। सेकंड पार्ट, रेंज क्या होती है, आप लोगों को पता होगा रेंज क्या होता है। रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ठीक है। जो हाईएस्ट माइनस हमने ऊपर निकाल रखे हैं, इनको माइनस करना है। 95 माइनस 39, इसको माइनस करने के बाद आपका आंसर आएगा 56, क्लियर। इसके बाद है इसका थर्ड पार्ट जो है वो करते हैं। थर्ड पार्ट देखते कर रहे, मीन मार्क ऑब्टेन बाय द ग्रुप। अब इसका क्या निकालना है, हमें मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। मीन क्या होता है, मीन ऑफ ऑब्टेंड मार्क्स, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमारा बुक में ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। अगर आपने देखा हो, यहाँ दे रखा है इसका फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये इसका फॉर्मूला है मीन का, ठीक है। तो मीन निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन, ये नंबर की शॉर्ट फॉर्म है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसके जो स्कोर थे यहाँ पर, इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 85 हो गया, उसके बाद 76, तो इसको ऐड करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं इसको, यहाँ पर देख के लिखता हूँ मैं। पहला हमारा है, आप बुक में देख सकते हैं, पहला है 85 है, प्लस फिर 76, फिर प्लस, फिर 90, फिर प्लस, फिर 85, फिर प्लस, फिर 39, फिर प्लस, फिर 48 है, फिर प्लस, फिर 56 है, फिर प्लस, फिर 95 है, फिर प्लस, फिर 81 है, फिर प्लस 75 है, ठीक है। अपॉन कितने हैं, जे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अपॉन क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इनको जो ऐड करोगे आप लोग, बड़े ध्यान से ऐड करना, आप लोग एडिशन में बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे। ये ऐड है, बहुत ध्यान से ऐड करना आप लोग। अगर एडिशन में प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको एडिशन करना भी बताऊंगा। इन सबको ऐड करने के बाद आपका आएगा 730 अपॉन 10, ठीक है। 10 से जे 0 कट जाएगा और आंसर हमारा आ जाएगा 73, जो कि इसका क्या है, मीन है, ठीक है। तो इसके मैंने तीन पार्ट से क्वेश्चन के तीनों मैंने कर दिए हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो हो सके तो पूरा देखा करें, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए डाउट। वीडियो स्किप ना करें, कुछ बच्चे थोड़ी सी वीडियो देखते हैं और छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वीडियो पूरा देखना चाहिए, ठीक है। और कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर करना चाहिए, ओके, जिससे कि मुझे लगता है कि हाँ बच्चे कुछ वीडियो का यूज़फुल को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि सेवन्थ क्वेश्चन है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, टेक केयर।